वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का महत्व बताया गया है और प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक जातक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नवग्रहों में 9 ग्रह शामिल हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, राहु और केतु हैं। इसमें से 7 प्राकृतिक ग्रह हैं, जबकि अन्य 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। हर एक ग्रह जातक के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के कौन से भाव में वो ग्रह विराजमान है। तो इसी क्रम में आइए जानते हैं कि हर एक ग्रह किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और ये दृष्टिकोण, आकर्षण, उपस्थिति, सरकारी नौकरी, सरकार, पिता, पेट आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। चंद्र ग्रह मातृपक्ष, जल, व्यक्तिगत भावना, सुंदरता, मधुर वाणी, आंखों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, आक्रामकता, सुरक्षा, चिड़चिड़ापन, प्रेमी, रक्त, बड़े भाई, खेल, भूमि, अचल संपत्ति, दलाली आदि का कारक माना जाता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह बुद्धि, त्वचा, संचार, व्यवहार, प्रेरणा, सोच, पहन, मानसिकता आदि का कारक है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है और ये शिक्षा, विकास, धन, जोखिम, अच्छे मूल्य आदि का प्रतिनिधित्व भी करता है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह सुंदरता, विलासिता, धन, नाम, प्रसिद्धि, वासना, यौन इच्छा, पत्नी, रिश्ते, प्रेमिका, प्यार और आराम का प्रतिनिधित्व करता है। अब बढ़ते हैं शनि ग्रह की ओर। शनि ग्रह अनुशासन, न्याय, कड़ी मेहनत, सत्य, हड्डियां, वृद्ध लोग, नौकरी, मजदूर, देरी, जीवन में धीमे परिणाम, न्यायालय, वकील, कर्म आदि का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है और ये भ्रम, उलझन, लालच, धूम्रपान, रातों रात सुपरस्टार बनाना, धोखाधड़ी, प्रौद्योगिकी, झूठ, इंटरनेट, विदेश यात्रा आदि का कारक है। अब बढ़ते हैं अंतिम ग्रह यानी कि केतु ग्रह की ओर। केतु ग्रह भी एक छाया ग्रह है और इसे आध्यात्मिक यात्रा, मोक्ष, ज्योतिष, गुप्त विद्या, शोध, गुप्त एजेंट, गुप्त ज्ञान आदि का कारक माना जाता है। तो इस प्रकार से ये नवग्रह इन बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।